दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सिर्फ रा वैज्ञानिक। ये बाल एजेंट राम रेमी की कॉमिक्स है। ये इसका नया कवर है और ये है इसका ओरिजिनल ओल्ड कवर। सिर्फ रा वैज्ञानिक, ये भी इसका दूसरा कवर है। कभी ये कई बार रिप्रिंट हुई होगी। तो पढ़ते हैं सिरफिरा वैज्ञानिक। यह विश्व के जाने माने किंतु भारतवासी प्रोफेसर प्रदीप शर्मा की विशाल प्रयोगशाला है, जिसकी सुरक्षा के लिए थल सेना हमेशा सजग रहती है। भारत सरकार को अपने उच्च कोटि के वैज्ञानिक प्रदीप शर्मा पर नाज है, क्योंकि प्रोफेसर शर्मा अपने बहुत से अद्भुत और आश्चर्यजनक आविष्कारों से संपूर्ण विश्व के सामने भारत का मस्तक ऊंचा कर चुके हैं। आजकल भी प्रोफेसर शर्मा एक महत्वपूर्ण प्रयोग में दिन रात कार्य कर रहे थे। भारत सरकार को विश्वास था कि जिस दिन यह प्रयोग पूरा हो जाएगा, उस दिन संपूर्ण विश्व एक बार फिर दांतों तले उंगली दबा लेगा। वैसे तो भारत सरकार ने प्रोफेसर के इस आविष्कार को गुप्त रखने की भरसक चेष्टा की थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे भारत की उन्नति से ईर्ष्या रखने वाले कुछ देशों को उस प्रयोग की भनक लग गई और वे उसे उड़ाने की फिराक में लगे। उन देशों में एक जमेरिका भी था। जमेरिका सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में एक दिन मिस्टर टोरा उर्फ एजेंट 333, हमने तुम्हें इस बार एक अत्यंत ही खतरनाक मिशन पर भेजने के लिए बुलाया है। आदेश के लिए चीफ, मुझे खतरनाक कामों से प्यार है। तुम्हें इस बार भारत जाना होगा एजेंट 333, और वहां से एक फार्मूला उड़ाकर लाना होगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि भारत के एक महान वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रदीप शर्मा आजकल एक ऐसी किरणों की इजाद करने में जुटे हुए हैं जिससे पलक झपकते ही बड़ी से बड़ी पहाड़ी को राख के ढेर में बदला जा सकता है, धरती में गहरे से गहरा गड्ढा किया जा सकता है, बड़े से बड़े और विशाल से विशाल सागर को पलक झपकने से पहले उन किरणों द्वारा सुखाए और बंजर भूमि को खेती लायक बनाया जा सकता है। असंभव, मैं ऐसे आविष्कार पर विश्वास नहीं कर सकता। इस प्रकार की किरणों की इजाद कोरी कल्पना है और उसके विषय में सोचना कोरी मूर्खता है। बौखला मत एजेंट टोरा, ताजा रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान का वह आला दिमाग प्रोफेसर शर्मा सचमुच इस कोरी कल्पना को सार्थक करने जा रहा है। वह उन किरणों का आविष्कार लगभग पूरा भी कर चुका है। ओ माई गॉड, तब तो यह विश्व के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और विश्व का 10वां आश्चर्य होगा। बिल्कुल ठीक, इसलिए हमारी सरकार चाहती है कि इससे पहले कि प्रोफेसर शर्मा अपना आविष्कार पूरा करके उसका फार्मूला अपनी सरकार को सौंपे, वह फार्मूला हमारे देश पहुंच जाए। अब इस बात का तुम स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो कि उस अद्भुत और चमत्कारी किरणों के फार्मूले के हमारे देश के हाथ लगने पर हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ हो सकती है। मैं अपने देश की उन्नति और अच्छाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ चीफ, आप आदेश करें। मुझे भारत कब रवाना होना है? कल रात के प्लेन से। उस प्लेन की टिकट और आवश्यक कागजात इस लिफाफे में है, लो इसे संभाल कर रख लो। ओके चीफ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ, मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह इस बार भी तुम अपने मिशन में सफल होकर लौटोगे। और हाँ, प्रोफेसर शर्मा और उनकी प्रयोगशाला की विस्तृत जानकारी आज रात ही तुम तक तुम्हारे फ्लैट में पहुंच जाएगी, उसका अध्ययन भी कर लेना। विश यू गुड लक। धन्यवाद चीफ, अब मैं जाकर सफर की तैयारी करता हूँ। और अगली रात एक यात्रीवाहक विमान जमेरिका के एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना हुआ। इस विमान में जमेरिका का खतरनाक एजेंट टोरा उर्फ 333 भी सवार था। उधर भारत में प्रोफेसर शर्मा अपने आविष्कार का अंतिम परीक्षण कर रहे थे। यदि यह चट्टान मेरी आविष्कारित किरणों से राख बन गई तो समझूंगा मेरा आविष्कार सफल रहा। प्रोफेसर शर्मा ने मशीन में लगे एक बटन को जैसे दबाया, बिजली जैसी कोंध के साथ ही मशीन के आगे लगी नली से नीले रंग की किरणें निकलकर सामने स्टूल पर रखी चट्टान से टकराई और वाह, एक्सीलेंट। कुछ क्षणों तक आग की लपटों में घिरे रहने के बाद वह चट्टान राख के एक छोटे से ढेर में बदल गई। वेरी गुड, मेरा प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। बस अब इन एक्स किरणों को भारी तादाद में तैयार करना है। उसके बाद ये किरणें ऊंचे से ऊंचे व बड़े से बड़े पहाड़ को भी राख के ढेर में बदलने में सक्षम होगी। तभी सर, कोई डॉक्टर शंभु दयाल आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर शंभु दयाल?
आगंतुक प्रोफेसर शर्मा का विश्वसनीय सेक्रेटरी तथा सहायक था, लेकिन उसे भी प्रोफेसर ने अपने प्रयोग की हवा नहीं लगने दी थी। सहसा उसकी आंखों के सामने एक परिचित चेहरा घूम उठा। ओ तुम, चलो मैं भी आता हूँ। राइट सर। सहायक के जाने के बाद डॉक्टर शंभू तो 5 वर्ष से जर्मनी में थे, फिर आज अचानक डॉक्टर शंभू प्रोफेसर शर्मा के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे, लेकिन जब से डॉक्टर शंभू जर्मनी गए थे तब से आज तक उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। इस बीच 5 साल का लंबा अरसा बीत चुका था। प्रयोगशाला के ही एक हिस्से में प्रोफेसर शर्मा का निवास स्थान था, जहाँ वे अपनी इकलौती बेटी लता के साथ रहते थे। घर का सारा कामकाज नौकर चाकरी करते थे, क्योंकि प्रोफेसर की पत्नी का देहांत हुए 10 साल बीत चुके थे। अपनी प्रयोगशाला से निकलकर प्रोफेसर सीधे अपने ड्राइंग रूम में पहुंचे। हेलो प्रोफेसर। हेलो, बैठो भाई। वैसे तुम मुझे तुम्हारे अचानक आगमन पर आश्चर्य है। तुम तो जर्मनी गए हुए थे ना? हाँ, लेकिन आज ही अमेरिका से आ रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं जर्मनी में 2 साल रहने के बाद अमेरिका चला गया था। कल यहाँ आया हूँ, लेकिन जल्दी वापस लौटना है, इसलिए सोचा क्यों ना आज ही तुमसे मुलाकात कर लूँ। यह तुम्हें ठीक है, लेकिन आजकल तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई, करना क्या, बस वही एक पुराना रोग है, पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों पर अनुसंधान करना। सो आज भी वही कर रहा हूँ। लगता सारी जिंदगी इसी रोग में गुजर जाएगी। हा। वास्तव में समूह तुम इन 5 सालों में जरा भी नहीं बदले, लेकिन प्रदीप तुम काफी बदल गए हो। यानी इतनी देर मुझे ही आई हुई हो गई है, लेकिन तुमने सिवाय बातों के अभी तक कुछ पिलाना तो दूर पूछा भी नहीं। वो मैं तो भूल गया था। बोलो क्या पियोगे, गर्म या ठंडा? बस बस अब रहने दो, मुझे जल्दी जाना, किसी दिन फिर आकर पी लूंगा। तुम यह बताओ कि आजकल किस प्रयोग में जुटे हुए हो? किसी भी प्रयोग में नहीं, आजकल आराम कर रहा हूं। मैं विश्वास नहीं कर सकता। किसी भी प्रयोग में नहीं, आजकल आराम कर रहा हूं। प्रोफेसर शर्मा ने जानबूझकर अपने प्रयोग की बात छुपाई थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता, तुम आराम करने वाले इंसानों में नहीं हो। जब तुम यह भी जानते होगे कि मैं ज्यादा काम करने वालों में से भी नहीं हूं। वैसे यह सच है भाई कि मैं काफी दिनों से बीमार चल रहा हूं, इसलिए डॉक्टर के कहने पर पूरी तरह आराम कर रहा हूं। हा। चलो भाई, तुम कहते हो तो विश्वास के लेता हूं कि तुम इस समय भी अपनी प्रयोगशाला में आराम करके ही आ रहे हो। अपनी चोरी पकड़े जाते देख प्रोफेसर शर्मा से तुरंत ही कुछ कहते नहीं बन पड़ा। कुछ औपचारिक बातें करने के पश्चात, अच्छा भाई अब मुझे आज्ञा दो, मौका मिला तो फिर आऊंगा। अरे इतनी जल्दी, तुमने तो कुछ खाया पिया ही नहीं। यह काम तो मैं पहले ही किसी और दिन के लिए छोड़ चुका हूँ। ओके, फिर मिलेंगे। और प्रोफेसर को असमंजस में छोड़ डॉक्टर शंभू दयाल कमरे से बाहर निकल गए। इधर एक रविवार को राम रहीम पिकनिक मनाने के लिए समुद्र के तट पर पहुंचे। राम भैया, मान लो इस समय समुद्र से किसी की लाश निकल आए तो यहाँ मौजूद लोगों की क्या हालत हो? तुम हर समय मनुष्यत्व वाली बातें मत किया करो। आजकल हमारे शहर में जो शांति बनी हुई है उसे बनी ही रहने दो। लेकिन भैया, मुझे तो इस शांति के पीछे एक भयानक तूफान छिपा महसूस हो रहा है। न जाने कई दिनों से क्यों मेरे दिल में यह विचार बार बार आ रहा है कि जल्दी हमारे शहर में कोई भयानक घटना घटने वाली है, जिसकी शुरुआत इसी समुन्द्र से होगी। तो तुम इसलिए जिद करके आज मुझे यहाँ तफरी कराने लाए हो? ओ नो, ऐसी कोई बात नहीं है राम भैया, बहुत दिन हो गए थे समुद्र की लहर को देखे, इसलिए मैंने आज यहाँ पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था। क्या तुम्हें यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लग रहा? लग रहा था, लेकिन तुम्हारी बातों से सारा मूड ऑफ हो गया। चलो अब घर वापस चलो, काफी बोर हो लिया मैं तुम्हारे साथ। अरे अरे, अचानक क्या हुआ तुम्हें? क्या मुझसे नाराज हो गए तुम? राम बिना कोई उत्तर दिए एक तरफ खड़ी अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ गया। अरे राम भैया रुको तो सही, मैं भी आ रहा हूं। तभी बचाओ, हे भगवान, अरे बाप रे, आई बचाओ। अगले पल वहां एकदम आतंक सा छा गया। उफ बेचारी, बचाओ। रहीम, उसके प्राण खतरे में, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो, लेकिन भैया हम इस विशालकाय व्हेल से किस प्रकार मुकाबला करेंगे? वह हमें भी निगल जाएगी।
लेकिन राम ने रेम की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरी शक्ति से वह समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। रुक जा भैया, जानबूझकर मौत के मुंह में छलांग लगाने की मूर्खता मत करो, बको मत बुजदिल। राम ने दौड़ते हुए समुद्र में छलांग लगाई और पूरी तेजी से तैरता हुआ उस स्त्री की ओर बढ़ने लगा, जो मौत और जिंदगी के बीच झूलती हुई किनारे पर पहुंचने की चेष्टा कर रही थी, जबकि वेल उसे निकलने के लिए बिल्कुल उसके निकट आ पहुंची थी। राम के पीछे पीछे रहीम ने भी पानी में छलांग लगाई, लेकिन इससे पहले कि दोनों में से कोई भी उस युवती की मदद के लिए उसके निकट पहुंच पाता, आई ओह, वेल उस युवती को निगलकर पानी में डुबकी लगा गई। अफसोस है कि हम उसे नहीं बचा सके। चलो पुलिस को फोन करके सारी स्थिति से अवगत करा दे। ठीक है, चलो। घटना की सूचना मिलते पुलिस कुछ विशिष्ट गोताखोरों के साथ वहां पहुंच गई। आप लोग उस वेल के ऊपर तलाश कर उसे खत्म करने की कोशिश करें, ताकि पुनः ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। बहुत अच्छा ऑफिसर, तैराकों ने उस वेल को तलाश करने की पूरी कोशिश की, परंतु उन्हें वह वेल पानी के भीतर और बाहर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दी। हताश पुलिस दस्ते व गोताखोर तैराकों के साथ साथ राम रेम भी वापस लौट पड़े। देखा रेम, कभी कभी मुंह से निकली बात कितनी सच हो जाती है। हाँ भैया, देख लिया, अब तो मुझे भी विश्वास होने लगा है कि जल्दी हमारे शहर पर कोई नई और भयानक मुसीबत आने वाली है। ओह, अगले दिन के तमाम समाचार पत्र इसी घटना से भरे पड़े थे। रेम, क्या तुम जानना चाहोगे कि वह युवती कौन थी जिसे वेल खा गई है? हाँ, कौन थी वह बेचारी? हमारे देश के मानवैज्ञानिक प्रोफेसर प्रदीप शर्मा की इकलौती बेटी लता शर्मा। क्या? लेकिन इससे पहले कि रहीम कोई प्रश्न करता, श्यामू काका वहां आकर बोले, राम बेटा तुम्हारा फोन है। ओ रहीम, तुम यहीं बैठो, मैं फोन सुनकर अभी आता हूँ। ठीक है। हेलो, राम स्पीकिंग, मैं चीफ मुखर्जी बोल रहा हूँ। राम बेटे, तुम रहीम के साथ तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचो। खैरियत तो है ना चीफ अंकल? यह अचानक बुलाने का कारण मैं फोन पर कुछ नहीं बताना चाहता, यहाँ पहुंचो फिर बताऊंगा। चीफ की ओर से संबंध विच्छेद होते ही राम ने रिसीवर क्रेडिल पर रखा और रहीम के पास पहुंच गया। किसका फोन था भैया? चीफ का। फटाफट तैयार हो जाओ, उन्होंने हमें इसी समय बुलाया है। कुछ ही देर बाद दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो हेडक्वार्टर की ओर उड़े चले जा रहे थे। लगता फिर कोई नया केस हेडक्वार्टर में हमारा इंतजार कर रहा है, वरना चीफ अकारण ही हमें बुलाने वाले नहीं है। वह तो ठीक है रहीम, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर पूरी तरह सोचना पड़ेगा। कहीं वास्तव में तो हमारे शहर पर कोई भयानक मुसीबत नहीं आने वाली? लगभग 20 मिनट के बाद वे बाल सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर के में चीफ मुखर्जी के सामने थे। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग, बैठो। अब बताइए चीफ, आपने यह अकस्मात में क्यों बुलाया? तुमने आज अखबार तो पढ़ा होगा जिसमें वेल द्वारा एक लड़की को निगल जाने की खबर छपी है। हमने यह समाचार केवल पढ़ा ही नहीं, बल्कि इस हादसे को भी स्वयं अपनी आंखों से देखा है। अफसोस तो हमें इस बात का है चीफ कि हम मिस लता शर्मा की कोई मदद नहीं कर सके। फिर राम ने उन्हें गत दिवस की सारी घटना कह सुनाई। सुनकर चीफ मुखर्जी का चेहरा अत्यंत गंभीर हो उठा। क्या बात है चीफ, ये आप एकाग गंभीर क्यों हो गए? बात ही कुछ ऐसी है बेटे, दरअसल उस वेल द्वारा की गई यह पहली घटना नहीं है, वे अब तक कई देशों के जहाजों को भी समूचा निगल चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं चीफ, भला एक वेल समूचे जहाज को निगल जाए, यह कैसे संभव हो सकता है? विश्वास करो राम, मैं जो भी कह रहा हूँ वह सत्य है। इंटरपोल पुलिस की भी यही रिपोर्ट है और इस बात के कुछ प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी है। हाँ, हमारे देश में लड़की को निगलने वाली यह प्रथम घटना है। ओ, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे इस वेल ने अब तक किन किन देशों के जहाजों को अपना शिकार बनाया है? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, चीन और जापान। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वेल साधारण नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। क्या आपको विश्वास है चीफ की यह सभी कांड एक ही वेल ने किए हैं? हाँ, अब तक की रिपोर्ट तो यही कहती है। वैसे भी राम बेटे, इतनी विशालकाय वेल जो किसी जहाज तक को समूचा निगल जाए, धरती के किसी भी समुद्र में अब तक नहीं देखी गई है और न ही ऐसी किसी वेल का किसी देश के पास कोई रिकॉर्ड ही है। आश्चर्य, ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि कोई वेल समुद्री जहाजों के पीछे पड़ी है।
बलाव से जादू से क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे तो अब इसमें किसी भयानक षड्यंत्र की बू आने लगी है चिप। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बेल कोई समुद्री जीव ने होकर कोई मशीनी बेल नुमा जहाज हो और किसी विशेष प्रयोजन हेतु समुद्री जादू का अपहरण कर रहा हो। ऐसा हो सकता है। यह विचार अब लगभग प्रत्येक देशी खुफिया पुलिस के दिमाग में उपज रहा है और इसी संभावना को मद्देनजर रखते हुए पूरे विश्व की सरकारी मशीनरी अपने अपनी समुद्री सीमा में पूरे जोर शोर के साथ उसी खोजबीन करने में जुटी हुई है। अच्छा चीफ, एक बात बताइए कि आजकल प्रोफेसर प्रदीप शर्मा किसी महत्वपूर्ण प्रयोग में जुटे हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारा यह प्रश्न करने का मतलब बहुत बड़ा चीफ, लेकिन पहले आप यह बताइए कि आजकल वह किस किस्म का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, इस संबंध में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इस संबंध में होम मिनिस्टर का सख्त आदेश है कि किसी को कुछ नहीं बताया जाए क्योंकि यह हमारे देश का टॉप सीक्रेट है। ठीक है चीफ, फिर इस संबंध में हम प्रोफेसर अंकल से बात कर लेंगे क्योंकि वे डैडी के अच्छे परिचितों में से हैं। आप यह बताइए कि आपने मैं यहाँ किस लिए बुलाया है? मैंने जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया था उसे तुम स्वयं करने जा रहे हो बेटे। प्रोफेसर शर्मा ने मुझे फोन किया था कि वे तुरंत तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। ओह, तब तो हमें आज्ञा दीजिए चीफ, हम इसी समय जाकर उनसे मिल लेते हैं। लेकिन राम, तुमने यह तो बताया नहीं कि तुम यह क्यों जानना चाहते थे कि प्रोफेसर आजकल क्या प्रयोग कर रहे हैं, उनके प्रयोग से इस केस का क्या संबंध है। इस संबंध में मैं आपको प्रोफेसर अंकल से मिलने के बाद ही बता सकूंगा चीफ अंकल। कहने के साथ ही राम रहीम को साथ लेकर बाहर निकल आया। अजीब जिद्दी लड़का है यह राम भी। किसी नतीजे पर पहुंचने के बावजूद भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अगले पल में मोटरसाइकिल पर सवार हो प्रोफेसर शर्मा की कोठी की ओर उड़े चले जा रहे थे। क्या तुम किसी खास नतीजे पर पहुंच गए हो राम भैया? शायद। वैसे रेम, यह बात समझ लो कि तुम्हारे वे विचार अब जल्दी सत्य होने वाले हैं जो तुमने समुद्र के किनारे जाहिर किए थे। हमारे देश पर जल्दी कोई भयानक खतरा आने वाला है। कुछ देर बाद वे प्रोफेसर शर्मा की कोठी में प्रोफेसर शर्मा के सामने थे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। आओ बेटा, मैं बैठो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हमें अफसोस है प्रोफेसर अंकल अंकल की आपकी बेटी राम जो कुछ भी अखबारों में छपाए वह हकीकत नहीं। लता को किसी बेल ने निगला बल्कि उसका अपहरण किसी किया गया है। इसी कारण मैंने मिस्टर मुखर्जी से कहकर तुम्हें विशेष रूप से यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। यह आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर अंकल? हमने अपनी इन आंखों से उस वेल द्वारा आपकी बेटी को निगलते देखा है। फिर तुम चुप रहो रहीम, अंकल को अपनी बात कहने दो। हाँ अंकल, आप यह बात किस आधार पर कह रहे हैं कि आपकी बेटी लता वास्तव में किसी किसी दुर्घटना की शिकार नहीं हुई बल्कि उसका अपहरण किया गया है? इस पत्र के आधार पर, यह मुझे कल शाम प्राप्त हुआ था। इसे पढ़ लो, फिर तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। ओह, राम ने पत्र लेकर पढ़ा। पत्र में लिखा था, प्रोफेसर शर्मा, यदि आप अपनी बेटी लता की जिंदगी चाहते हैं तो कल रात 9:20 पर डायमंड हार्बर से जर्मनी रवाना होने वाले जहाज पर सवार हो जाए। लेकिन खबरदार, पुलिस से संपर्क करने वाले अथवा इस पत्र का अपवाह किसी को भी हवाला देने की कोशिश मत कीजिएगा वरना परिणाम भयंकर होगा। आपका हितैषी ब्लैक ड्रैगन। इस पत्र से भी यह साफ हो जाता है कि कोई गैंग आपसे अपना कोई मकसद पूरा करना चाहता है। बिल्कुल, और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि इस गैंग का जो कोई भी बॉस है वह सिर्फ वैज्ञानिक है और वह बैलनुमा आधुनिक पनडुब्बी इसी की इजाद है। अब यह बताइए, आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे? पुलिस अथवा सीक्रेट सर्विस से संपर्क करने से मेरी बेटी का जीवन खतरे में पड़ सकता था, इसलिए इस सिलसिले में मैंने तुम दोनों की मदद लेना उचित समझा। सुनो बेटे, मुझे अपनी बेटी अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, अतः मैंने निर्णय किया है कि मैं अपहरणकर्ताओं द्वारा निर्देशित जहाज पर सफर अवश्य करूंगा। और आप चाहते हैं कि हम सफर में गुप्त रूप से हम भी आपके साथ रहे। बिल्कुल ठीक समझे, मैं यही चाहता हूँ। अच्छा अंकल, क्या आप बता सकते हैं कि आजकल आप किस महत्वपूर्ण प्रयोग में लगे हुए हैं? नहीं बेटे, यह टॉप सीक्रेट है, अतः मैं अपने प्रयोग के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। प्रोफेसर अंकल, मुझे संदेह है कि कहीं अपराधी ने आपकी बेटी का अपहरण उसी प्रयोग को जाने के लिए न किया हो। हाँ अंकल,
उस स्थिति में आपके प्रयोग की महत्ता जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। हो सकता है, लेकिन निश्चिंत रहो, यदि कारण यही रहा होगा तो भी वे मुझसे उस प्रयोग के बारे में नहीं जान पाएंगे, चाहे वे लता के साथ साथ मेरे भी प्राण क्यों न ले ले। राम ने प्रयोग के बारे में जानने के लिए ज्यादा जिद नहीं की। तो ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी योजना सुनिए। आज रात जब आप 9:20 पर जाने वाले जहाज पर सवार होंगे, फिर राम उन्हें अपनी योजना सुनाने लगा। सब कुछ अच्छी तरह समझाने के पश्चात राम रहीम ने प्रोफेसर से विदा ली और मोटरसाइकिल पर सवार हो अपने घर की ओर लौट पड़े। लेकिन दोनों इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि उनके प्रोफेसर की कोठी से बाहर निकलते ही एक रहस्यमय व्यक्ति ट्रांसमीटर पर किसी से कॉन्टैक्ट करने लगा था। हेलो हेलो, ब्लैक ड्रैगन डॉन कॉलिंग। हेलो हेलो, यस, ब्लैक ड्रैगन को रिसीविंग रिपोर्ट। बहुत सारे भी दो किशोर प्रोफेसर शर्मा से मिलकर गए हैं। उन दोनों का हुलिया डॉन ने राम रहीम का हुलिया बता दिया। मूर्ख, वे जरूर राम रहीम रहे होंगे, बाल सीक्रेट सर्विस के खतरनाक जासूस। क्या तुमने पता लगाने की कोशिश की कि प्रोफेसर और उनके मध्य क्या बातचीत हुई? कोशिश तो की थी बॉस, लेकिन सफल नहीं हो सका। डॉन, तुम दिन ब दिन निकम्मे और लापरवाह होते जा रहे हो। खैर, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर दूसरी ओर से जो कुछ कहा जाने लगा, जिसे डॉन ध्यानपूर्वक सुनता रहा। जब आवाज आनी बंद होगी तो उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। उसी रात डायमंड हार्बर से ठीक 9:20 पर आकाश नामक एक यात्री वाहक जहाज जर्मनी के लिए रवाना हुआ, जिस पर प्रोफेसर शर्मा भी अन्य यात्रियों के साथ सवार थे। राम ने पता नहीं जहाज पर सवार हुए भी हैं अथवा नहीं। खैर, मुझे अपने केबिन में पहुंचना चाहिए, राम ने मुझसे वहीं मिलने के लिए कहा था। आश्चर्य, प्रोफेसर के साथ राम रहीम जहाज पर सवार नहीं हुए? मुझे बॉस को खबर करनी चाहिए। इधर प्रोफेसर ने जैसे अपने कमरे का दरवाजा खोला, कौन हो तुम लोग और मेरे कैबिन में कैसे आए? शांत हो जाइए अंकल, यह हम है। अरे तुम राम रहीम? यस अंकल, और इस समय हम मेकअप में है। समझता हूँ वास्तव में तुम दोनों बहुत होशियार हो। अच्छा अंकल, यह बताइए कि क्या आपको जहाज पर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नजर आया जो आपकी निगरानी कर रहा हो? अभी तक तो नहीं, लेकिन यह बताओ कि मेरे केबिन के भीतर तुम लोग कैसे पहुंचे, जबकि मैं केबिन को लॉक करके गया था। यह हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं अंकल, ऐसे कामों के लिए हम इस मास्टर की को हमेशा अपने साथ रखते हैं। बहुत खूब। सुनिए अंकल, जहाज पर जब यात्री सवार हो रहे थे तो हम पोर्ट पर खड़े एक एक व्यक्ति को चेक कर रहे थे। उनमें हमें एक व्यक्ति संदिग्ध जान पड़ा है। वह और कोट व हेड पहने हुए है और आपके केबिन से ठीक तीसरे केबिन में ठहरा हुआ है। ओह, मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही आपसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जो आवश्यकता नहीं है। हम आपके बगल वाले केबिन में ठहरे हुए हैं, यानी आपके और संदिग्ध व्यक्ति के बीच आने वाले केबिन में, बीच वाले केबिन में यदि आवश्यकता पड़ी तो हम उसे ट्रेस करेंगे। बस आपको उससे यह जानना है कि आखिर वे आपसे चाहते क्या है। ठीक है, मैं समझ गया, अब हम चलते हैं अंकल, आप सावधान रहना। ओके। रहीम ने द्वार खोलकर बाहर झांका। बाहर गैलरी में सन्नाटा देखकर वे चुपचाप प्रोफेसर शर्मा के केबिन से बाहर निकल आए। रहीम, तुम केबिन में पहुंचो, मैं जरा उस संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि एक बार फिर देख लूं। ठीक है। फिर रहीम तो अपने केबिन का लॉक खोलकर भीतर प्रविष्ट हो गया और राम तीसरे केबिन के की होल से भीतर झांकने लगा, जो वास्तव में डॉन का ही कमरा था। डॉन उस समय ट्रांसमीटर पर अपने बॉस से बात कर रहा था। हाँ बॉस, मुझे पूरा विश्वास है कि राम रहीम जहाज पर सवार नहीं हुए, लगता वे किसी और वजह से प्रोफेसर से मिलने उनके घर पहुंचे थे। चलो यह भी अच्छा हुआ, तुम प्रोफेसर पर बराबर नजर रखो और इस हम जहाज को ठीक 1:20 पर मध्य सागर पर जैक करेंगे। ठीक है बॉस। फिर जैसे डॉन ट्रांसमीटर ऑफ करके दरवाजे की ओर बढ़ा, राम दरवाजे से हटकर अपने केबिन की ओर बढ़ गया। अगले पल राम अपने केबिन में था। क्या हुआ? मेरा संदेह ठीक निकला रहीम, वह व्यक्ति प्रोफेसर अंकल पर ही निगरानी रखे हुए है। फिर राम ने जो कुछ डॉन के केबिन के भीतर देखा और सुना था वह सब कुछ रहीम को बता दिया। 1:20 पर उसका बॉस जहाज को जैक करेगा, इसका क्या मतलब हुआ राम भैया? मेरे विचार से अपराधी प्रोफेसर समेत
जहाज का अपहरण करने का इरादा रखते हैं। वो माइक और कहीं उसी विशाल वेल द्वारा तो नहीं हो सकता, लेकिन विश्वास से भी कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि जहाज का वास्तव में अपहरण किया गया तो मैं जहाज छोड़ना होगा, यह अवश्य ध्यान रखना। अब तुम टेप रिकॉर्डर ऑन करो, मुझे विश्वास है कि वह व्यक्ति प्रोफेसर से बातचीत करने की कोशिश करेगा। ओके। वास्तव में राम और रेम प्रोफेसर के केबिन में एक डिक्टाफोन फिट कराए थे, ताकि यदि प्रोफेसर के साथ कोई बातचीत करे तो वे टेप रिकॉर्डर द्वारा उसे सुन सके। रेम ने टेप रिकॉर्डर ऑन किया। कुछ देर तक तो खामोशी छाई रही, लेकिन फिर उसमें से आवाज फूटने लगी। उनमें पहली आवाज 100% प्रोफेसर शर्मा की थी। कौन हो तुम? मुझे अपना मित्र समझो प्रोफेसर, वैसे मुझे डॉन कहते हैं। राम रेम ध्यान से उन बातों को सुनने लगे। क्या चाहते हो? आपकी बेटी की भलाई, और मुझे विश्वास है कि आप भी उसकी भलाई चाहते होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी बेटी वास्तव में वेल का आहार नहीं बनी, बल्कि उसके द्वारा तुम लोगों ने उसका अपहरण किया। या तो आपको उसी समय समझ लेना चाहिए था जब हमारा पत्र आपको मिला था। वैसे निश्चिंत रहिए प्रोफेसर, फिलहाल आपकी बेटी बिल्कुल सकुशल और आराम से है। प्रोफेसर शर्मा ने एकाएक उत्तेजित हो डॉन का गिरेबान थाम लिया। बताओ कहाँ मेरी बेटी, और तुमने उसका अपहरण क्यों किया? क्या चाहते हो तुम मुझसे? शीघ्र ही तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा प्रोफेसर, उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं। कहने के साथ ही डॉन ने एक झटके के साथ अपना गिरेबान छुड़ा लिया। तुम लोगों ने मुझे विशेषकर इस जहाज पर सवार होने के लिए क्यों कहा? इस जहाज पर हमारा कुछ विशेष सामान भी लैंड है लोड है। तुम्हारे साथ साथ वह सामान भी हमारे 0 स्टेशन पर पहुंच जाएगा। 0 स्टेशन कहाँ है? वहीं जहाँ तुम्हारी बेटी मौजूद है। ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो प्रोफेसर, इतनी आसानी से तुम मुझसे हमारे मुख्य स्टेशन के बारे में नहीं उगलवा सकोगे। हा। और तुम भी ज्यादा समझदारी दिखाकर मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो मिस्टर। भला चलते जा से तुम कैसे सबकी आंखों में धूल झोंक कर मुझे और अपने सामान को अपने अड्डे तक ले जाओगे? तुम हमारी वेल को भूल रहे हो प्रोफेसर, वह इस जहाज को भी तो के जहाज को तो क्या, इससे भी दुगने बड़े जहाज को आसानी से निगल सकती है। ओ तो इसका मतलब मेरा संदेह ठीक निकला कि वास्तव में वह कोई वेल नहीं बल्कि वेल रूपी कोई विशाल पनडुब्बी है। अब तुम बिल्कुल ठीक समझे प्रोफेसर, मैं चलता हूं, लेकिन अब तुम अपने केबिन से बाहर निकलने की कोशिश मत करना वरना खतरे में पड़ जाओगे। इसी के साथ टेप रिकॉर्डर से द्वार के खुलकर बंद होने की एक हल्की सी आवाज आई और लंबी खामोशी छा गई। राम के इशारे पर रहीम ने एक स्विच दबाकर टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। अपराधियों का तो सम सचमुच जहाज को उड़ाने का इरादा है राम भैया। हाँ, और अब मैंने अपना पहले वाला इरादा बदल दिया है। क्या मतलब? मतलब यह कि अब हम जहाज नहीं छोड़ेंगे बल्कि जहाज समेत तो उस वेल के पेट में पहुंचेंगे, ताकि देख सकें कि आखिर वह वेल है क्या भला। उसके बाद उनके मध्य भी एक लंबी खामोशी छा गई। रात के 1:15 पर जहाज समुद्री बीचों बीच था। सहसा कुछ दूरी से तेज रोशनी के दो गोले उदय हुए और जहाज उस रोशनी से जगमगा गया। वास्तव में रोशनी के वे दो गोले कुछ और नहीं विशालकाय वेल की दो आंखें थी जो अपना विशाल मुंह फाड़े जहाज की ओर ही बढ़ रही थी। जब जहाज के चालकों की दृष्टि उस अजीबोगरीब विशालकाय वेल पर पड़ी तो वे बुरी तरह बौखला उठे। वह विशालकाय वेल हमारे जहाज की ओर ही बढ़ रही है। उसका मुंह इतना बड़ा कि समूचे जहाज को किसी छोटे खिलौने के समान निगल सकती है। तुम जल्दी से कप्तान को सूचित करो, तब तक मैं जहाज को उसके मार्ग से हटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सह चालक ने तुरंत जहाज के कप्तान विशाल राय को आने वाली बला से सूचित किया। सर, एक विशालकाय वेल जहाज की ओर बढ़ रही है। यदि जल्दी बचाव कार्य नहीं किया गया तो जहाज को खतरा पेश आ सकता है। ओह चलो मैं देखता हूँ। सह चालक के साथ कप्तान तुरंत जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंचा, लेकिन वेल पर दृष्टि पड़ते ही उसके भी पसीने छूट पड़े। मिस्टर रतन बत्रा, तुम जहाज को 120 डिग्री में जितनी जल्दी हो
उसके मोड़ दो, लेकिन यह इतनी जल्दी संभव नहीं सर, वह बिल्कुल निकट आ चुकी है। बहस मत करो, कोशिश करो। चालक ने जहाज को मोड़कर व्हेल से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक उन्हें काफी देर हो चुकी थी। उफ, खतरे का सायरन बजा दो, अब जहाज का बचना मुश्किल है। राम रहीम अपने केबिन में बैठे किसी आने वाले खतरे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस समय 1:15 हो चुके थे। तभी जहाज को एक जबरदस्त झटका लगा और वे हवा में उछल गए। पी पी उफ ओह, वह कौन था जो जहाजों का अपहरण कर रहा था, और वह जहाजों का अपहरण क्यों कर रहा था? क्या राम रहीम प्रोफेसर शर्मा को बचा पाने में सफल हो चुके? क्या डॉक्टर शंभू वास्तव में प्रोफेसर का मित्र था, या प्रोफेसर शर्मा की बेटी लता का क्या हुआ? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और इसका अगला पार्ट है विनाश के बादल, और ये इसका सेकेंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, राम रहीम के बाल एजेंट राम रहीम के फोल्डर में। मैंने दो सीरीज बना रखी है राम रहीम की, एक राम रहीम के नाम से और एक बाल एजेंट राम रहीम के नाम से। बाल एजेंट राम रहीम के फोल्डर में वे कॉमिक्स है जिसमें ये बच्चे दिखा रखे हैं राम रहीम, तो इसका सेकंड पार्ट आपको मिलेगा बाल एजेंट राम रहीम के फोल्डर में। तो मिलते हैं इसे पार्ट 2 में।